अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और मुझे आज बहुत जोर की भूख लगी है, तो मम्मा ने कहा है कि तुम आज अपने हाथ से मैगी बनाकर खा लो। तो फिर उसमें डालेंगे पहले हम पानी और मैगी और मैगी मसाला और थोड़ा सा ये सॉल्ट, और हम फिर उसे चम्मच से हिलाएंगे और सिर्फ इतनी चीजें और पानी ही। ये चालू करेंगे हम, और अब पहले हम इसमें पानी डालेंगे और अब फिर हम इसमें मैगी डालेंगे, जल्दी मसाला डालेंगे। और फिर अब हम डालेंगे उसमें थोड़ी सी मैगी, डूब गया, इसमें थोड़ा हिलाने की जरूरत होगी। हम फिर उसमें डालेंगे थोड़ा सा अब सॉल्ट, ये खुल गया, खुल जा सिम सिम, खुल क्यों नहीं रहा ये, को दोगे प्लीज, मैं किचन डाल दी, और अब हो गया। और अब हमें क्या करना है, इसे हिलाना है, ये बहुत ज्यादा ही कुछ कड़क है। आज खाना बनाने जा रहा हूँ इतना टेस्टी जो आपने कभी नहीं खाया होगा। 10 मिनट बढ़ेंगे, ये स्किप पैकेट पर 2 नंबर है, पर ये इसे बंद के लिए नहीं, पकने के लिए 10 मिनट लगते हैं। 10 तो फिर हम उसे 10 मिनट से पकने के बाद खा जाएंगे, तो हमारी भूख भी मिट जाएगी और हम खा लेंगे इसे पेट भर के, ठीक है, पकने के बाद। दोस्तों हमारी मैगी बन चुकी है, देखिए कितनी अच्छी है, हम अब इसे खा जाएंगे ठंडा होने के बाद। मैंने इसमें चम्मच तो डाल दिया है, पर ये गर्म हो रहे हैं, पर अब हम इसे खाएंगे। मैगी बनाई है? हाँ। क्यों बनाई मैगी? मुझे तो भूख लगी थी। फिर आपने बनाई? हाँ। क्यों? मुझे तो भूख लगी थी इतने जोर की। मम्मा ने नहीं बना के दी? नहीं, मैंने खुद बनाई। वाह, मेरा बच्चा मैगी बनाना सीख गया। वाह, गुड। चलो दोस्तों, आज देखे पसंद क्या, हम गुलाब जाम बनाने वाले हैं, लेकिन गुलाब जाम हम देसी मावे से बनाने वाले, तो चलो देखे। हमें गुलाब जाम बनाने के लिए यहाँ पे मावा, जो बिल्कुल फ्रेश मावा है, आप जब भी बाजार में से कोई मावा खरीदते हो तो आपको पहले देख लेना है कि उसका कलर कैसा है। अगर उसका कलर सफ़ेद है तो वो उसमें फैट नहीं रहता और उससे गुलाब जाम अच्छे नहीं बनते। तो आपको मार्केट से जब भी मावा खरीदना हो तो उसका कलर क्रीम कलर होना चाहिए, तो उससे गुलाब जाम अच्छे बनते। तो चलो हम इसको पहले माख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इसके लिए एक फ्लैट बर्तन लेना है, उसमें हमें ये मावा लेना है। तो मावा लेने के लिए मैंने मावे को इस बर्तन से नापा था, जो कि 250 ग्राम है पूरा, तो इसको हमें पूरा निकाल लेना है। इसको पूरा ऐसा ये करना है, पहले इसके अंदर बिल्कुल भी कोई हार्डनेस नहीं बचना चाहिए, इसके लिए हमें इसको अच्छे से मखना है। जितना ज्यादा आप इसको मखोगे उतना गुलाब जाम अच्छा बनेगा और फटेगा नहीं। इसके अंदर हमें बेकिंग पाउडर डालना पड़ेगा, 1/4 चम्मच हमें इसमें क्या करना है, बेकिंग पाउडर ऐड करना है। आप इसमें बेकिंग सोडा भी,
ये हो गया अभी मावा रेडी। अभी चाशनी तैयार कर लेंगे। हमने जिस बाउल से हमने मावा लिया था उस बाउल से हमें क्या करना है, शक्कर को नाप लेना है। तो जितना मावा लिया उतने से थोड़ा ज्यादा आपको क्या करना है, यहाँ पे शक्कर ऐड करना है और उसी बाउल से हमें एक बाउल वाटर ऐड करना है। चाशनी अभी बनकर रेडी हो चुकी है तो इसका फ्लेम हम अभी ऑफ कर देंगे। अभी जो हमने रेस्ट करने के लिए जो डो रखा था मावा का, उसके अभी हमने ऐसे गोल गोल इसके बॉल्स बना लिए। लेकिन बॉल बनाते टाइम आपको क्या करना है, इसको ऐसे रगड़ के इसको ऐसा फिर ऐसा इसको सर्कुलर रोटेट करके इसको ऐसा बनाना है ताकि इसको क्रैक ना आ जाए। अभी ये सब हमारे बॉल बन के रेडी है। अभी इसको हम तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसके अंदर अब इसको डालेंगे। और डालने के बाद में इसको ऐसे सर्कुलर रोटेट करना है। क्योंकि ये तेल में फट सकते हैं इसके कारण इसको ऐसे ऑयल को सर्कुलर रोटेट करना है। और एक एक करके सबको निकाल लें। ये हमारे गुलाब जाम अभी बनकर रेडी हो चुके हैं। अभी हम इसको चाशनी में डाल देंगे। चाशनी को थोड़ा सा गर्म रखना है। ये हमारे गुलाब जाम बनकर अभी रेडी है। क्या रिदाई, कैसे बनाए गुलाब जामुन? बहुत अच्छे और थोड़ा सीले। आपको भी एक खाना हो तो जल्दी से मेरे चैनल को जाकर लाइक करना होगा। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट।